उनका मोटिव ये था कि इस लड़की को हम रखेंगे अगर पुलिस ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है या सोशल मीडिया पे कहीं कुछ हलचल ज़्यादा नहीं होती है तो लड़की को आगे किसी गलत हाथों में बेच दे। मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं अपने फ्रेंड के पास जा रही थी तो और मेरे को वो उन्हें खींच लिया। अगर हम नहीं जांच पड़ताल करते तो मेरे बच्चे के मार भी सकते थे। आजकल के तो लड़कियों का क्या हो रहा, शोषण हो रहा ज़्यादा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रनहोला पुलिस स्टेशन में। आपने कल हमारे चैनल पर देखा होगा, कल हमने एक खबर कवर करके डाला था जिसमें तमन्ना खातून नाम की लड़की लापता हो गई थी, आप सभी ने देखा होगा। और अभी मेरे साथ वही नाबालिग बच्ची बैठी हुई है जो लापता हो गई थी। अब शायद उस खबर का असर है। आपको एक जानकारी और दे दे कि इस केस में एएसआई मैम सीमा ढाका जी का भी बहुत बड़ा रोल है। ये केस उनके हाथ में भी गया और आज भगवान की दया से वो लड़की हम सब के साथ है, अपने परिवार के साथ है। तो उस बच्ची से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वो घर से गई और उसके साथ आगे क्या कुछ हुआ है। आप 5 तारीख का गए हो, ठीक है, आप किसके साथ गए थे और किसके पास रुके थे? मैं रुकी थी वो पूजा नाम की एक औरत थी उनके पास साथ रुकी थी। मैं यहाँ से पैदल गई थी और जो कि वो मेरे को अपने साथ मतलब खींच के ले गई। और वो ना मैं अपने भाई से गुस्से होके नहीं निकली थी, वो मेरे को खींच के ले गई। मैं अपने फ्रेंड के पास जा रही थी। आपको जबरदस्ती लेकर के? हाँ, मेरे को जबरदस्ती लेके गई थी और मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं अपने फ्रेंड के पास जा रही थी तो और मेरे को वो उन्हें खींच लिया। तो आपको 4 दिन रखा अपने पास, कोई गलत व्यवहार कुछ किया आपके साथ या फिर अच्छे से रखते थे? नहीं, मेरे साथ मतलब गलत व्यवहार नहीं कर रहे और खाना पीना देते थे और सही से मतलब रहते थे। आज आप घर आए हो तो कौन आपको पहुँचाया, किसके साथ आए हो आप? वो पूजा नाम की जो एक लेडीज थी उनने मुझे बस स्टैंड पर बैठा दिया बस में, और जहाँ फल फ्रूट्स बेचते तो मैं उन्हीं से आगे, उन्हीं ने मेरे को पैसे दिए थे। और जो पूजा लेडीज थी जिसके घर पर आप रुके थे वो आपको कुछ बोल रही थी? इतने दिनों में उन्होंने आपको कुछ कहा? नहीं, मुझे कुछ कहा नहीं था, वो मेरे को बस अपने साथ खींच के ले गई, मैं नहीं जाना चाहती थी तो भी। तो आपने देखा कि बच्ची का बयान आपके सामने है, इसने बताया कि पूजा नाम की लेडीज़ है जो इनको लेकर के गई थी। अभी आगे कार्यवाही हो रही है और इस मामले में आगे क्या कितनी सच्चाई है वो कार्यवाही के बाद ही पता चलेगा। अभी हम यहाँ पर सीमा मैम से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये केस लेने के बाद किस तरीके से मैम ने अपने कार्य को किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये वही सीमा मैम है जो दिल्ली की पहली महिला पुलिसकर्मी ऐसी हैं जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था और इन्होंने ही महज 3 महीनों में 76 बच्चों को ढूंढ करके निकाला था। तो मैम ये बहुत अच्छा कार्य है आपकी तरफ से, तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी मैम, धन्यवाद। जी बताइए सीमा मैम, इस बच्ची का केस आपके हाथ में आया तो कितने घंटे में क्या कार्यवाही आपने कैसे किया? मुझे इससे पहले पता नहीं था कि ये लड़की मिसिंग है। कल ट्विटर पे मैंने देखा था, मेरे पास एक लिंक शेयर किया था मेरे किसी स्टाफ ने थी कि मैम ये ऐसे ऐसे लड़की गुम है। तो जब भी मुझे लिंक मिला तब भी मैंने इनके घर वालों से कॉन्टेक्ट किया, इनसे 2-3 घंटे मैंने बातचीत की। बातचीत करके जितने भी मुझे शक हुआ कि लड़की आधार कार्ड लेके गई है तो थोड़ा अपनी मर्जी से गई होगी या कुछ इस तरीके से, तो अगर बच्चा इस तरीके से जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने सर्कल से टच रखता है कि मेरे मन में ये थॉट आ रहे हैं या कुछ इस तरीके से। मैंने इसकी सभी फ्रेंडों के नंबर लिए, जो सर्कल इनका था, ग्रुप बना हुआ था, उनसे मैंने बातचीत की और बातचीत करके उनको समझाया, काउंसलिंग की कि बात बहुत आगे तक पहुँच चुकी है, अगर आपको कुछ पता है तो आप हमें इन्फॉर्म करो या हमारी हेल्प करो इस तरीके से। तो मुझे जो लगता है कि ये लड़की अब उनको वापस ये भेजी है उसी सर्कल से, कहीं सा कहीं ना कहीं से उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि पुलिस एक्टिव हो रही है या काम कर रही है। और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लड़की का फोटो और वीडियो वायरल हो रही थी, तो उनको ये लगा कि अब इस ज़्यादा दिन तक हम इस लड़की को रख नहीं सकते हैं। हो सकता है, मुझे जो लगता है, वैसे तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उनका मोटिव ये था कि इस लड़की को हम रखेंगे अगर पुलिस ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है या सोशल मीडिया पे कहीं कुछ हलचल ज़्यादा नहीं होती है तो लड़की को आगे किसी गलत हाथों में बेच दे, या कोई उनका मोटिव मुझे लग रहा था। लेकिन थोड़ा उनको लगा कि पुलिस एक्टिव है या काम कर रही है तो उन्होंने लड़की को जाने दिया और लड़की आज सुबह वापस आ गई। मैम, आपके बारे में वैसे जितना कहा जाए उतना ही कम है क्योंकि आपने बच्चों के लिए बहुत माँ की दुआएं भी ली और बहुत बच्चों को ढूंढ भी निकाला है, तो आपका अनुभव आप हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। यही है, जो समयपुर उबारली थाने की टीम है, मेरे साथ हेड कॉन्स्टेबल सुनीता है जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं हर केस में, हम दोनों मिल के जहाँ भी हमें ऐसे इस तरह के केसेज मिलते हैं हम दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। और अगर हम बिज़ी भी हों तो अपने पर्सनल टाइम में से निकाल के टाइम, और अच्छा लगता है किसी का बच्चा किसी के
घर वालों को मिल जाए तो इससे बढ़िया खुशी और मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जितना भी भगवान मेरे हाथों से अच्छा काम कराएगा मैं चाहती हूँ करती रहूँ, तो ये तो नॉन स्टॉप है। पहली तो बात यही है कि हम सोचेंगे किसी के बच्चे किडनैप ना हो, लेकिन अगर किसी के किडनैप हो जाते हैं उनको हमारी हेल्प की जरूरत है और हम वहाँ पहुँचे उनकी हेल्प करें, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तुम यहाँ पर बच्चे के माँ से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बच्ची कितने बजे घर वापस आई और इन लोगों को कैसे जानकारी प्राप्त हुई है। हमें जानकारी तो ये पता नहीं था कि मेरे बेटी कहाँ है कहाँ नहीं। हमें मीडिया वालों को बुलाए, सब कुछ अपना तरफ से बहुत कोशिश करे कि मेरा बेटी मिल जाए। और ये जो दीदी है सीमा मैम उनके पास मेरा लड़का लोग गए, तीनों चारों गुहार लगाए, सब अपना दुख बताए कि मेरे माँ ऐसी है, मेरा बाप की तबीयत खराब रहता है, मेरा मम्मी का तबीयत खराब रहता है, मेरा बहन को ढूंढ निकालिए कहीं से भी। अब जैसे आई है तैसे जैसे हमारे घर में थी लड़की, ऐसे नहीं है थोड़ा दिमाग। बच्चे के आने के बाद उसके नेचर में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं आपको? बदलाव नजर है कि जैसे हमारे घर में थी ऐसे नहीं है, उसको कुछ करवाई हुआ है। अब हम अपना डॉक्टरी चेक कराएंगे, रिपोर्ट कराएंगे, तब हमें तसल्ली होगा कि मेरा लड़की मेरा सही है। ऐसे भी किसी को लड़की को रखना नहीं चाहिए। किसी को बच्चे एक घंटा दो घंटा गुम हो जाता है तो माँ बेचैन हो जाती है। हमारे बच्ची को आज चौथा दिन पे मेरा घर आई है तो वो माँ को क्या हाल होगा, कैसे बर्ताव होगा। जो रखा था वो जो रखे थे उनका खुद सोचना चाहिए कि हाँ चलो हमारे भी बच्चे हैं। नहीं लड़की को नंबर मालूम है तो पुलिस चौकी में चौंपा देते, जानकारी दे देते कि हाँ ये लड़की यहाँ आई है। तो जो हमारा नज़दीक है पुलिस चौकी, हम जब यहाँ आए थे तो यहाँ से हमें पता चलता तो हम अपना लड़की को लाते, तो इतना हम परेशानी नहीं। 5 तारीख की ये लापता है और आज 8 तारीख हो गई है, तो आपके घर में सबसे पहले किसे ये जानकारी मिली थी? किसी को पता नहीं चला कि नागलोई में है या चाहे कोई भी, मेरा बेटा बेटी कोई नहीं। हम लोग घर में बैठे थे तो मेरे लड़की अचानक आई तो हम लोग चिहा गए, ये लड़की मेरा कैसे अचानक से घर पर आ गई आपकी बेटी? हाँ अचानक से आ गई बेटी, तो हम रोने लग गए इसको देख करके, इसका बुरा हाल देख करके। मतलब सही नहीं है, इसका दिमाग ही सही नहीं है। बदलाव है आने के, बदलाव है आने पे इसका बदलाव है। तो उनका एक कोशिश था कि अगर बच्ची को कोई खोज फिगर नहीं है तो इसको किया था हम बेच दे या चाहे कुछ कर दे, अगर हम नहीं जांच पड़ताल करते तो मेरे बच्ची के मार भी सकते थे। आजकल के तो लड़कियों का क्या हो रहा, शोषण हो रहा, ज़्यादा बेच देते हैं। तो ये हमें डर था कहीं मेरा लड़की बुरा हाथ में ना पड़ जाए, कहीं गलत ना पड़ जाए, तो इसलिए हम इतना क्राइम ब्रांच वाला मंगाए, मीडिया बुलाए, सब कुछ बुलाए, पुलिस कर्मचारी बुलाए कि हमारा सबका हाथ है इसमें, आपकी बेटी को लाने का है। मेरा बेटी को लाने में तारानी का भी हाथ है, मेरा खुदा का भी हाथ है, सबका हाथ है मेरा बेटी को लाने के लिए। हमारा इज्जत हमारे घर आ गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप हर दिन देखते होंगे कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली की ही नहीं अगर यूपी की भी बात करें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मासूम बच्चियां भी गायब हो जाती है और उनके साथ गलत होता है। लेकिन यहां पर जो मामला था, बच्ची 5 तारीख को गायब हुई थी और आज 8 तारीख को बच्ची अपने आप घर पर आती है। अब आगे क्या है पूरा मामला, आखिर क्या कैसे लिंक हुआ, कैसे इन्फॉर्मेशन लोगों को मिली जिनके पास ये बच्ची रहती थी, वो सारा कुछ जाँच पड़ताल में पता चलेगा। आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले के तह तक सीमा मैम की तरफ से बाकी पुलिस की प्रशासन की जो भी कार्यवाही होगी इस मामले के तह तक जाएंगे और आगे जानकारी अगर जरूर प्राप्त होगी कि क्या है पूरा मामला, आखिर बच्ची किसके पास थी और उनका जो मेन मोटिव था वो क्यों अपने पास बच्ची को रखे थे। इस तरीके से कोई किसी की बच्ची को अपने घर में रखता है तो वो अपराध है, तो आप भी सजग हो जाइए। अगर आप भी किसी तरह का ऐसा भी कोई भी केस देखते हैं तो उस पर इन्फॉर्मेशन पुलिस प्रशासन को जरूर दें। साथ ही साथ आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर के आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताएं और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी हमारे देश में बच्चियों के साथ ऐसे लोग गलत काम कर रहे हैं वो आपराधिक है और ऐसे काम रुक सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति कैमरा पर्सन शोभित सैनी के साथ हकीकत आप तक।